हेलो स्टूडेंट, पहले लेक्चर में हमने क्या देखा? अबाउट द मोशंस, इंट्रोडक्शंस देखा था हमने। नाउ हम आगे देखते हुए चलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक इज पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पोजीशन क्या है, पाथ लेंथ क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या, हम पहले यहां समझेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ रेफरेंस पॉइंट। क्या है रेफरेंस पॉइंट? लुक एट दैट, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस लेबल्ड एक्स वाई जेड एक्सिस। हमें पता है कि एक्स वाई जेड इट्स अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट शोज द 3D, थ्री डायमेंशंस। ठीक है, द पोजिशंस ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ दिस थ्री एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि जहां से हम उसे स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना, एक्स वाई और जेड, जहां से हम स्टार्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन। एंड सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट, वही पॉइंट को, ओरिजिन को क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं कि सपोज आप लोग कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो और नवसारी हमारा मेन पॉइंट है। नवसारी से आप सूरत जाओगे, नवसारी से आप मुंबई जाओगे, नवसारी से आप दांडी जाओगे। ठीक है, ये तीनों पॉइंट कहाँ से स्टार्ट किया? नवसारी से। तो नवसारी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। लुक एट दैट, यू कैन सी दैट द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों कहाँ पे कोइंसाइड है और मिले हुए यहाँ पे, तो दैट इज नोन एज ओरिजिन और ऑल्सो नोन एज अ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया हमारे लिए। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसका डिटेल में हम लास्ट में, इसी स्लाइड के लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ बेसिक थिंग है वो डिस्कस करते हैं पहले। कोऑर्डिनेट, ये हमारे एनसीईआरटी बुक की डेफिनेशन और कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं आप लोग। द कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विथ अ क्लॉक, किसके साथ? यही कोऑर्डिनेट सिस्टम किसके साथ आ जाए, क्लॉक के साथ आ जाए, टू मेजर द टाइम कंस्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम हम क्लॉक के साथ लेके आए तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और क्लॉक और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हम क्या मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं। तो उसे एनसीईआरटी की बुक में यही दिया हुआ है। आगे देखते हैं पॉजिटिव डायरेक्शंस। ओके, एक काम कीजिए, पॉजिटिव डायरेक्शंस क्या है पहले समझिए। द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर्स। ओके, और उसके साथ नेगेटिव डायरेक्शन, द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इज डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ द नंबर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंक्रीजिंग, यहाँ पे डिक्रीजिंग। ओके, पहले समझ लीजिए कैसे। तो बस समझ लो कि आपके पास कोई नंबर लाइन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक नंबर लाइन। ठीक है, ये इस तरह से और ये यहाँ पे, समझ लो ये उसका सेंटर है, जीरो। इस डायरेक्शन में आओगे तो वन वन, और यहाँ पे आप टू लिख सकते हैं, ये यहाँ से आगे आएगा थ्री। इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ दिस, इट शोज द पॉजिटिव डायरेक्शन। उसी तरह हम इस डायरेक्शन में आ जाए तो यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, पहला आ जाएगा -1, उसी तरह यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आ जाएगा -2। नंबर लाइन में हमें पता है, तो दैट डायरेक्शन इट शोज द पॉजिटिव वन, एंड अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट इट शोज द नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, वन शुड बी पॉजिटिव, वन शुड बी नेगेटिव। आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने बोला था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये स्लाइड खत्म होते हुए दिखेगी क्या है डिटेल में। यू कैन सी दैट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अ प्लेस एंड अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर एन ऑब्जर्वर टेक देयर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ पहले ये समझिए। पहले अ प्लेस, कोई जगह, कोई सिचुएशन, वहां से ऑब्जर्वर अपनी ऑब्जर्वेशन ले रहा है उसे क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल अ प्लेस समझ लो कि मैं अभी हम मेरे स्टडी रूम में बैठा हूं, ये मेरा प्लेस है। और सिचुएशन, मेरी सिचुएशन ये है कि मैं स्टडी हूं,
सपोज यही स्टेडी में बैठ के मैं बाहर देखूंगा तो मुझे सभी ट्री क्या लगेगा, स्टेडी दिखेंगे, ठीक है, सभी ट्री मेरे लिए स्टेडी है। उसी तरह अब समझ लो कि मैं मोशन में हूं, मैं बाइक पे जा रहा हूं, ठीक है, मैं बाइक पे जा रहा हूं, तो कुछ चीज ऐसी रहेगी कि वो मेरे लिए बाइक पे, सपोज मैं बाइक पे हूं, मेरे साथ कोई बंदा है तो वो मेरे लिए स्टेडी है, लेकिन कोई बंदा वहां नीचे खड़े रह के देखेगा तो वो उन लोगों के लिए, हम लोग सब मोशन में। फॉर एग्जाम्पल, अब सिंपल एक देख रहे हो, आप सब ने ट्रैवलिंग किया हुआ है, आप सब बस, कार और ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होगे, तो जब भी आप देखते होगे कि जब आप लोग कार में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, तो आपको सभी ट्री कैसे लग रहे हैं, ट्री, तो वो ट्री सब रनिंग कर रहे, भाग रहे हैं, ऐसा हमको लगता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए वो मोशन में है, लेकिन वो तो स्टेडी ही है ना, वो कहाँ मोशन कर रहा है, ट्री मोशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो स्टेडी ही रहेगा, लेकिन हम लोग मोशन में है, इसकी वजह से वो मुझे मोशन में लगेगा। उसी तरह कोई बंदा ट्रेन, कार और बस में बैठा होगा, और कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या रोड पे खड़ा है, कहीं पे भी खड़ा है, लेकिन वो स्टेडी है जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। अब जब ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन में बैठा हुआ बंदा बंदे को जब देखेगा, वो प्लेटफॉर्म वाला बंदा, तो उसे वो मोशन में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ समझने की बात क्या है, सिचुएशन एंड द ऑब्जर्वर और प्लेस, अपना ऑब्जर्वर, हम खुद ऑब्जर्वर बन जाए, हम कौन सी सिचुएशन में है, कहाँ पे है, उस पर डिपेंड करेगा, उससे क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉर्मल यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा, यू कैन सी दैट व्हेन यू ट्रैवल इन अ बस और ट्रेन, यू कैन सी द ट्री, बिल्डिंग एंड द पोल्स आर मूविंग, हमें तो मोशन में लगेगा ना, लेकिन वो है क्या, स्टेडी है। उसी तरह जो बंदा बाहर खड़ा है, उसके लिए आप लोग जो ट्रेन में बैठे हो वो मोशन में है, लेकिन आप तो ट्रेन में बैठे, आप खुद स्टेडी है, लेकिन वो बाहर वाले बंदे के लिए आप क्या हो जाएगा, मोशन में हो जाएगा। तो दैट इज नॉट अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सब याद ना रखो, ये पहला वाला वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो डेफिनेशन है, जो मैंने अभी समझाया, ट्री वाला एग्जाम्पल लेके, ट्रेन वाला एग्जाम्पल लेके, वो इम्पोर्टेंट है, उसे आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। यू कैन सी द नेक्स्ट पॉइंट इज अ पाथ लेंथ। ओके, अब देखिए हमारा मेन टॉपिक वो यहाँ पे आ जाएगा, पाथ लेंथ इज रिप्रेजेंट एज एक्स, कहीं पे डी से रिप्रेजेंट किया होगा, कहीं से आर से रिप्रेजेंट किया होगा। ओके, सब समझना है, द टोटल डिस्टेंस, समझिए, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ सेम टाइम इंटरवल इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। यहाँ पे क्या मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया, टोटल डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, चलो पहले यहाँ पे देख लेते हैं, पाथ लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, पाथ लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज नेवर बी जीरो और नेगेटिव, पॉजिटिव आ गया तो वो जीरो और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, वो हमारे दिमाग में रखना है। पाथ लेंथ इज जस्ट ना क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, विच इज मीटर। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, सपोज आप लोग नवसारी में है, अभी आप लोग यहाँ से ट्रैवल करके जाओगे 30 किलोमीटर अवे, फॉर एग्जाम्पल सूरत चले जाओ, सूरत से आप जाओगे बाड़ोली, बाड़ोली से घूम के वापस आ जाओगे नवसारी। अब देखिए आपने ट्रैवल कहाँ से किया, नवसारी से स्टार्ट किया, नवसारी से सूरत का डिस्टेंस समझ लो 40 किलोमीटर है, वहां से बाड़ोली का समझ लो और 40 किलोमीटर है, और बाड़ोली से नवसारी का समझ लो और 40 किलोमीटर है, तो 40 प्लस 40 प्लस 40, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस मीन्स द 120, विच इज नोन एज अ पाथ लेंथ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यू कैन सी दैट द कार इज मूविंग, ओके, ये मोशन में रहे, इसने पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, विच इज 7 किलोमीटर, क्या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यू कैन सी दैट दी ये कार यहाँ से ट्रेवल कर रही है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पहले उसने, 7 किलोमीटर। उसके बाद टर्न लेके ये कुछ और पाथ पे जा रही है, वही कार समझ लो उसने यहाँ पे ट्रेवल किया और 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इस कार ने, यू कैन सी दैट दी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस कार इज अ 10 किलोमीटर,
और ये पाथ लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज 10 किलोमीटर। समझ में आया? यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ही लेना है, ये याद रखना, ठीक है? टोटल डिस्टेंस ही लेना है, लेना है। यहाँ पे पहले ही बोल दिया, पाथ लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव, नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ठीक है? एक और एग्जांपल पे समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कार है, पहले ट्रैवल करके 5 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर से निकल के कहीं 5 किलोमीटर गए, वापिस ट्रैवल करके 5 किलोमीटर वापिस अपने घर पे आ गए, ठीक है? तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कैलकुलेट कीजिए। 5 + 5, इट विल बी अ 10 किलोमीटर। यू ट्रैवल अ 10 किलोमीटर इन दिस कार। 5 जाने के लिए, 5 रिटर्न आने के लिए, 5 + 5 विच इज 10 किलोमीटर। क्लियर? तो दैट इज नोन एज अ पाथ लेंथ। कितना भी डिस्टेंस ट्रैवल करो, सभी का यहाँ पे एडिशन ही होगा, ये याद रखना, सभी का एडिशन ही होगा। तो दैट इज नोन एज अ पाथ लेंथ, ठीक है? और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। हमें दूसरा समझना है, विच इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, वहां सिर्फ एक्स था, यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा एक्स। डेल्टा इट्स रिप्रेजेंट द डिफरेंसेस। ओके, इफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम वन पोजिशन x1 टू द अनदर पोजिशन x2, देन द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ओके, आप इस समझिए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, अपर बॉडी चेंजेस फ्रॉम वन पोजिशन। पहला समझ लीजिए, आप पहले नवसारी हो, वहां से कहाँ गए, सूरत गए, मीन्स द x2 पोजिशन। द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल इज नॉन एज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे सिंपल वे में याद रखना, कभी भी याद रखो, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन, x2 - x1। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वॉट, आप कहाँ से ट्रैवल करके गए और कहाँ पहुंचे, ठीक है? तो यहाँ पे अपना आंसर देखिए, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जरूरी नहीं है। पाथ लेंथ मस्ट बी पॉजिटिव, ये हमारे लिए पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा और जीरो भी आएगा। एक समझिए, कि एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे समझ लीजिए कि आप यहाँ पे हो, ये आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 5 किलोमीटर, ठीक है? चलो, ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। ओके, ये आपकी इनिशियल पोजीशन है, ये 0 किलोमीटर थी, और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई, फाइनल। तो ये हो जाएगा आपका x2, ये क्या हो जाएगा आपके लिए, ये x2 हो जाएगा, और ये है आपके लिए क्या हो जाएगा, विच इज x1 फॉर यू। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू x2 - x1, जो पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये समझा देता हूँ कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आया, फाइनल पोजिशन क्या है हमारे लिए, 5 किलोमीटर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5 - 0, तो ये हो जाएगा हमारे लिए, हमारा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर। ओके, अब समझो, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर। अब यहां से ये रिटर्न जा रहा है और यहाँ पे आधे जाके रुक गया, ठीक है? ये आधे जाके रुक गया, ये हमारा कौन सा किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और इसने यहाँ पे कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो फाइनल पोजीशन कितना है उसका, 3 है, इनिशियल कितना है, 5 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 3 - 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, विच इज -2। तो ये आ गया हमारा नेगेटिव। ओके, यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही चीज हमें याद रखना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमें इजीली याद रहेगा। उसका एग्जांपल मैं आपको और भी देता हूँ, जिसकी वजह से आप क्लियरली समझ में आएगा। यू कैन सी द कार, ये देखिए, ये 4 किलोमीटर ये मोशन हो रहा है इसका, उसके बाद वो टर्न लेके और 3 किलोमीटर मोशन कर रही है, ठीक है? तो हम मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट किया था और ये कार यहाँ पे पहुंचा है, तो ये हो गया मेरा फाइनल पोजीशन। तो मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा।
ये तो 3D इमेज नहीं बना सकता, तो समझ लीजिए ये यहाँ पे 90 क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इस यहाँ से सीधा इसी डायरेक्शंस में गया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे बता नहीं सकता था, मैंने इस तरह से ड्रॉ किया, तो समझो इसी डायरेक्शंस में गया होगा, तो क्या होगा, ये यहाँ पे एक 90 क्रिएट कर लेगा और ये हो जाएगा हमारा हाइपो, तो सिंपली हम ये हाइपो डिफाइन कर लेंगे तो हमें उसका क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है तो 4 और 3 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर कार यहाँ से मोशन कर रही है, यहाँ पे गई और यहाँ से वापिस अपने घर पे आ गई, समझो ये वापिस अपने घर पे आ गई, तो कितना होगा, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे फिनिश किया उसने, तो X1 भी 0 X2 भी 0, देखना डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट माने क्या, X2 माइनस X1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजिशन क्या थी और इनिशियल पोजिशन क्या थी, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वापिस एक बार देखिए, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और यहां से कार लेके, सॉरी 5 किलोमीटर यहाँ पे मैंने ट्रैवल किया, उसके बाद मैं अब वापिस 5 किलोमीटर रिटर्न आ गया, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे आ गया, जहां से स्टार्ट किया वो 0 किलोमीटर था, जहां रिटर्न आया वो भी 0 किलोमीटर, तो फाइनल माइनस इनिशियल तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0, डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। आपने सब समझो कि नवसारी से स्टार्ट करके आप सूरत गए और सूरत से वापस अपने घर आए, तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, विच इज 80 किलोमीटर, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट क्या कितना हो जाएगा, जहां से स्टार्ट किया वहां फिनिश कर किया तो विच इज 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज 0। पाथ लेंथ मीन्स टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, ये कार के एग्जाम्पल से आपको पता चल गया हो, ठीक है, थैंक यू। यहाँ इस टुडेज लेक्चर के लिए इतना ही है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।